नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा कि भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब यह स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है और नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये पोस्ट भी राहुल गांधी की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर किया गया है। उन्होंने लिखा कि ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। इसी के साथ साथ कई बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि अब ये स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाली मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरीके से बेबस है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि हम देश के भविष्य को उसे बचाना भी होगा। तो राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद लगातार विपक्ष आक्रामक इस बार देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलता हुआ विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी की ओर से भी एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। तो राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर यह हमला,